नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर संकट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो चुका है और पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ सुर बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में इमरान की सत्ता कभी भी जा सकती है, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इन दिनों हालात स्थिर नहीं है। पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। 16 अक्टूबर को 11 विपक्षी पार्टियों के नवगठित गठबंधन ने महारैली के जरिए इमरान खान को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले गुंजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इमरान सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन से इस महारैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इमरान के कार्यकाल में पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। दरअसल इमरान खान के खिलाफ महागठबंधन का नेतृत्व मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। पिछले साल भी फजलुर रहमान ने इमरान के खिलाफ मोर्चा निकाला था। इमरान को सत्ता में आए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वे कुछ खास करने में नाकाम रहे हैं। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान कंगाल हो गया है। दूसरे देशों से कर्ज मांगकर पाकिस्तान अपना खर्च चला रहा है। महंगाई भी आसमान पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार बदनामी भी हुई है। कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान के रवैये पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हैं, उससे तो यही लगता है कि इमरान खान ज्यादा दिन तक पीएम की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।